तो हाँ, अगर आप इस बार के बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं ए टू जेड आपको 13 लेने से लेके प्राइस हर चीज मतलब ऐसा समझा देंगे कि आपको पूरा अच्छा से क्लियर में समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको पता ही है कि 26 यानी कि 25 सितंबर को रात में सेल स्टार्ट होने वाला है फ्लिपकार्ट पे द बिग बिलियन डे सेल्स, और उसके बाद अमेजोन पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स। तो इस दोनों का सेल स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख को रात में, यानी को 26 तारीख को स्टार्ट होने वाला। अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं तो आप 26 को इसका फायदा आनंद ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिना प्लस मेंबर है, अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो आपके लिए 27 को सेल चालू होगा। तो आप अगर 13 लेना चाहते हैं आईफोन 13, तो देखो यार, अगर आप प्लस मेंबर हैं तो 27 को ही ले, मतलब 26 को ही रात में ले लेना, 25 को रात में, 26 को जब शुरू होगा सेल तो उस टाइम आप उसको ले लेना, उस टाइम आप उसको ऑनलाइन कर देना, बुक कर लेना अपना फोन को, ठीक है, ऑर्डर कर देना, क्योंकि उस दिन आप ऑर्डर कर देगो तो कुछ दाम कम रहेगा, मतलब कुछ मतलब बहुत ज्यादा ही कम रहेगा, मतलब कि 27 तारीख से 26 तारीख को रात में कुछ ज्यादा ही कम रहेगा, क्योंकि उस दिन सेल स्टार्ट ही हुआ है और प्लस मेंबर के लिए उस दिन फायदा रहेगा, बाकी 27 को जो प्लस मेंबर नहीं है उसके लिए फायदा रहेगा। तो अगर आप प्लस मेंबर हैं तो आप 26 को रात में ही आईफोन 13 को ऑर्डर कर देना, नहीं हो तो आप 27 को जैसे ही आएगा, जैसे ही बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होगा रात में 12 बजे 27 को, यानी कि 26 तारीख को रात में 27 को, तो आपको क्या करना है, 27 तारीख जैसे ही घुसेगा रात में तुरंत आपको अपना मोबाइल खोल के बैठ जाना है, क्योंकि आपको 13 लेना है ना, तो इस बार 13 का जो प्राइस है काफी ज्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि कंपनी जो है 13 आप बनाएगी नहीं, आईफोन में कंपनी 13 नहीं बनाएगी, 13 का बनाना बंद हो जाएगा, जैसे 11 12 का बनाना बंद हो गया था तो उसी तरह का 13 का बनाना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि 16 नया लॉन्च हो गया है तो तीन ही सीरीज बनता है पीछे, बाकी 13 दो ही सीरीज बनता है, 14 15 16 अब रहेगा, 13 बंद हो जाएगा। इस लेकर क्या होगा ना, इस बार जितना भी स्टॉक कंपनी के पास बचा होगा फ्लिपकार्ट से सेल करके पूरा हटाना चाहेगा, तो इस बार जो है दाम पूरा कम करने वाला है 13 का, वही मान लीजिए आप दाम हम आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा कम में मिल सकता है इस बार, संभावना है, हालांकि पूरा क्लियर नहीं है लेकिन इस बार पूरा संभावना है, क्योंकि आईफोन 15 जब आपको 50,000 में मिलने वाला है, आईफोन 14 जब 40,000 में मिलने वाला है, आईफोन 13 का तो रेट सोच ही लो आप कितना ज्यादा कम रहेगा इस साल। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग 26 को रात में कर सकते हो प्लस मेंबर हो तो ठीक है, अगर प्लस मेंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप 26 को मत करना, 27 को ही रात में कर देना, क्योंकि जैसे ही सेल स्टार्ट होगा तो पता है ना आपको कि बहुत ज्यादा लोग इंडिया में प्लस मेंबर नहीं रहे, तो उस टाइम रात में क्या होगा, तुरंत जैसे ही सेल स्टार्ट होगा सब अपना मोबाइल से ऑनलाइन करने लगेगा, ऑर्डर करने लगाएगा आईफोन 13 को, तो क्या होगा जो आपका पसंदीदा कलर है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ऐसा ना हो कलर भी स्टॉक हो जाएगा, ऐसा ना हो कि सारा आईफोन 13 ही स्टॉक हो जाए, जैसे सारा स्टॉक हो जाएगा तो कोई ना कोई कलर को जरूर 5 मिनट 10 मिनट में फिर स्टॉक में लाएगा, जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर स्टॉक में लाएगा, लेकिन आप जल्दी से पसंदीदा कलर को चूज कर लेना, हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो कोई भी कलर को आप चूज करके ले लेना जब आप 13 लेना चाहते हो तो, क्योंकि 13 में आपको दाम कम मिलेगा, कम से कम 15-17 हजार कम मिलेगा आपको 15 से, जैसे कि 13 वही मानिए 40,000 से नीचे में ही आपको मिल जाएगा, कार्ड वगैरह लगाते हो तो 36, 37, 38 इतना आपका कॉस्ट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल जो है कंपनी उसको बेचकर हटाने वाली है, क्योंकि उसका दोबारा स्टॉक बनाएगा नहीं वो अपने पास, इसीलिए इस बार जो आईफोन 13 का रेट है काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग को मन में और भी कुछ सवाल आईफोन 14 से रिलेटेड, आईफोन 15 से रिलेटेड या आईफोन 16 से रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं 2-3 सालों से वीडियो बनाता था ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल के बारे में जो दुर्गा पूजा से पहले आता है, हालांकि दूसरा चैनल पे बनाता था, आज इस बार इस चैनल पे बनाऊंगा, पता नहीं आप लोग का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मन नहीं करता है बनाने को, बीच बीच में मैं बना देता हूँ एक आध वीडियो, लेकिन आप लोग का अगर प्यार मिला किसी किसी वीडियो पे तो फिर रेगुलर मैं बना दूंगा जब तक सेल रहेगा तब तक, लेकिन आप लोग इतना उम्मीद जरूर करना कि आईफोन 13 जो है 27 को
मतलब प्लस नंबर नहीं हो तो आप जल्दी से आएगा तुरंत ऑर्डर कर देना। आप कुछ बिना सोचे समझे कोई भी कलर मिलेगा ऑर्डर कर देना। अब बाकी जो 26 को है वो भी बल्ले बल्ले रहेगा, लेकिन 27 को जो बिना प्लस मेंबर आएगा तो उस दिन आप लोग ले लेना आईफोन 13 बहुत कम प्राइस में। और 14 का बात रहा तो 14 आप लोग प्लीज मत लेना, क्योंकि दोनों का सेम ही है लुक, डिस्प्ले, एवरीथिंग। 13 और 14 का कैमरा का भी ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चीज सेम है। तो आप क्यों 5,000-6,000-7,000 रुपया ज्यादा वेस्ट करोगे? 13 ही ले लेना सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो लेना है तो आप लोग 15 ले लेना, बस दो ही मोबाइल लेना। और 16 का तो बात ही छोड़ो, लेना है तो लेना, क्योंकि वो इस बार आने वाला है। लेकिन इस बार ज्यादातर आदमी 13 लेने वाला है, क्योंकि 13 का दाम कम पड़ने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए। मैं आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बना दिया हूँ। बाकी आप लोगों को क्या क्या लेना है आप लोग ले सकते हो और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है? तो चलिए, जो भी आपको पूछना होगा बताना। आज के लिए इतना, चलिए बाय।